नवाज शरीफ नजर आती हैं ना इनकलाबी बल्कि भगोड़े हैं। नवाज शरीफ को कौमी इदारों की तस्हीक और कौमी सलामती के राज अफशा करने नहीं देंगे। पाकिस्तानी अवाम नरेंद्र मोदी और जंदाल का खेल खेलने वालों का साथ नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली खुलकर नवाज शरीफ के बयानी के खिलाफ बोलने लगे। मजीद कहा, मादर मिलत की तौहीन करने वाले आज नून लीग के मामे बने फिरते हैं। जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे का नारा दीन इस्लाम और मुल्क से वफा दारी के मयार पर पूरा नहीं उतरता। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आज साफ पता के दो ब्लॉक बन चुके और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की खिदमत करने वास्ते ते अपने मुल्क की खिदमत करने वास्ते पाकिस्तानी कौम एक एक बच्चा पाकिस्तानी हिफाजत करने लिए तैयार है और इंशाल्लाह ताला ऐसे गुंडा नसर जेड़े मेरी अफवाजे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए असी उन्हों का जीना हराम कर देवे। मियां नवाज शरीफ क्या बेटी इतने गुजरा ले आ गए मैं वेखा कि इतने जैसा करते वो दौर गुजर गया कि साढ़े वोट भी ले लेने सू पार्ट खत्म करते असी अफवाजे पाकिस्तान के नाल इमरान खान के नाल इमरान खान एक सच्चा लीडर है उन्होंने कोई लालच नहीं। जब हम ये बात करते हैं कि जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब अगर हमें जन्नत की तरफ लेकर जाते हैं तब भी हम मियाँ साहब के साथी हैं। मियाँ साहब अगर हमें दोजख की तरफ लेकर जाते हैं तब भी हम मियाँ साहब के साथी हैं। मियाँ साहब अगर हमें मोदी की तरफ लेकर जाते हैं तब भी हम मियाँ साहब के साथी हैं। मियाँ नवाज शरीफ अगर हमें इसराइल की तरफ लेकर जाते हैं तब भी हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी। मेरे साथी जज्बात में आकर ये बात करते हैं लेकिन अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं है।